लव यू गाइस, कैसे हैं आप? लव यू गाइस इसलिए है क्योंकि आप अगर मुझे देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके लिए भी मेरी तरह दुनिया में सबसे अहम चीज़ जो है वो लव है. तो दैट्स व्हाई यू आर आल्सो लव यू गाइस. सो लव यू गाइस एंड आइए कि कुछ अच्छी चीज़ें पढ़ते हैं. ठीक है, नयाब सा फरमाते हैं, अपने दिल से बातें कर रहे हैं. ठीक है ना? तो वो कह रहे हैं कि आ उन असनाम की बातें दिले बर्बाद करें, क्या है मेरे बर्बाद दिल, आ जा मेरे पास बल्कि सुन मेरी बात. कि क्या करें हम उन लोगों की बात करें, उन खूबसूरत अच्छे और अजीम लोगों की बात करें जो कि क्या है तस्करे जिनके खराबों को भी आबाद करें, जो बिल्कुल ख़राब जगह और मतलब एक नाखुशगवार सी सिचुएशन को भी अच्छा बना लेते हैं, और इस जिन्होंने इस दुनिया को खूबसूरत बनाया है, अच्छा बनाया है अपने अच्छे कामों की वजह से और अपने अच्छे दिल और दिमाग और जहन की वजह से. तो आप सब कहते हैं कि आइए कि अब उन खूबसूरत लोगों की हम बातें करें, और उन खूबसूरत लोगों की बातों से अहम बातें और कोई हो नहीं सकती नेकी अच्छाई और खूबसूरती की. तो आप उन असनाम की बातें दिले बर्बाद करें, तذکرے जिनके खराबों को भी आबाद करें. हाँ, और जिनकी वजह से खराबात भी क्या हो जाते हैं, आबाद हो जाते हैं, दुनिया खूबसूरत बन जाती है. लाइफ इज़ ब्यूटीफुल. और हम ही प्यासे हैं सो आएंगे कुएं तक, हम ही कहते हैं ना आप सब कि जब आप पैसे तो भाई कुएं के पास भी खुद ही जाना पड़ेगा. शर्त ये है कि हमें आप कभी याद करें, लेकिन हमारा भरम रखिए, कभी बुला लीजिए तो हम आ जाएंगे. आप बिन बुलाए आ गए तो कोई मज़ा नहीं आएगा. हाँ, ज़रा कभी कभी हमें भी दावत दे दीजिए, दे दिया करें. तो और क्या अपने वो कदर से वो चाहें कि जिन्हें आप ही शाद करें, आप ही ना शाद करें. क्या वो अपनी किस्मत से क्या चाहेंगे, वो अपनी किस्मत को क्या कहेंगे कि जिनकी खुशी भी आप हैं और जिनका गम भी आप हैं. जैसे गालिब कहते हैं ना कि उसी को देखकर जीते हैं. कि मोहब्बत में ही नहीं है फ़र्क मरने और जीने का, उसी को देखकर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले. तो यही बात है यहाँ कि और क्या अपने मुकद्दर से वो चाहें कि जिन्हें आप ही शाद करें, आप ही ना शाद करें. खुशी और गम आप ही से है. अपने कैदी से मुलाकात न कीजिए, लेकिन क्या बात यार, हमसे आप मुलाकात ना कीजिए. कोई बात नहीं यार, हम आपसे नाराज़ ना ही होते. अपने कैदी से मुलाकात न कीजिए, लेकिन कैसे अपनी मुझे आप ना आज़ाद करें. लेकिन अपनी कैद में हमें रहने दो, हमें आपके कैदी बन के भी बड़ी खुशी है. तो इससे हमें आज़ाद ना कीजिए, चाहे मुलाकात कीजिए या ना कीजिए. तो आप इंसाफ की उम्मीद दिलाएं तो कभी हम भी इंसाफ तलब करने को फरियाद करें. यार अब उम्मीद कोई नहीं है हमें कि हम फरियाद भी करें तो आप कोई हम पे नज़र करम फरमाएंगे. तो इसलिए अब कभी आप ये कहें कि यार आपकी नज़र करम होगी तो हम भी फरियाद करें आपके सामने. तो शुक्र की जहाँ पे शिकायत नहीं सीखी हमने. क्या बात है नायाब साहब की, ज़बरदस्त शेर है. हम कहते हैं कि शुक्र की जहाँ पे शिकायत नहीं सीखी हमने, हम हुजूर आपसे क्या शिकवाए बेदाद करें. कि आप जो हम पे जुल्म करते हैं, जो आप हमारे साथ जो है ना सख्तियाँ करते हैं, वो हमें जो है ना टाइम नहीं देते और हमें कुछ समझते ही नहीं है. तो ये भी हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए एक खुशी का बायस है ना कि ये आपका जुल्म है. तो हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं कि आप हमें साथ दे रहे हो, हमारे साथ हो, हमारी बात सुन लेते हो. ना कि हम अब इस पे कहें कि यार आप हमारे साथ बड़ा जुल्म करते हो. नो, आप का जुल्म भी हमारे लिए खुशी है. तो क्या शुक्र की जा पे शिकायत नहीं सीखी हमने, हम हुजूर आपसे क्या शिकवाए बेदाद करें. बेदाद जुल्म. हाँ, अगर है अगर ताब अभी इश्क बुता की तुझ में. फिर दिल को कह रहे हैं हम कि अगर अभी तक तुझ में इश्क बुता की ताब है ना, हिम्मत है और ताकत है, तो आ कि ऐ दिल तुझे कुछ और भी बर्बाद करें. क्या जब फिर हम एक दो इश्क और लड़ा लेते हैं ताकि तू सही बर्बाद हो गया. अभी तक तुझ में जो है ना वो सख्त है, तुझ में हिम्मत है. तो और मरता है कि उनमें नायाब भी एक था सरे फहरिस्त कभी, कि कभी हमारा नाम भी आपकी फहरिस्त में पहले पहले आता था. अपने मंजूर नज़र आप कभी याद करें, तो कभी आपकी भी हम पे नज़र करम होती थी. तो आप जो है ना अब ऐसा कीजिए कि फिर कभी भी आप दोबारा भी हम पे नज़र करम फरमाइए. तो लव यू गाइस एंड लव यू नया द ग्रेट.